बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी। बट बच्चों, मुझे ये बताओ कि आखिर फूड में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है? बच्चों, इन्हीं चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अ न्यूट्रिएंट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस इन फूड डैट इज़ यूज्ड बाई द बॉडी टू प्रमोट growth, repair and maintenance. Okay? And these nutrients are also called as components of food. Okay? So, आपको ये जो word है nutrients, इसका मतलब समझना है. Nutrients are the substances present in our food that provide us with energy and is needed to be alive and grow. Nutrients हमारे food में वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है और वो ज़रूरी होता है हमारे ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, और इन न्यूट्रिएंट्स को ही बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो अब बताओ कि ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट? बच्चों, अ हेल्दी डाइट थ्रू आउट लाइफ प्रोमोट्स हेल्दी बॉडी, सपोर्ट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीजेज। हेल्दी खाना खाने से हम डिजीज से, बीमारियों से दूर रहते हैं, एंड दस लीड्स टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। और हेल्दी खाना खाने से हम थ्रू आउट हेल्दी रहते हैं। ओके, तो बच्चों, अगर हम न्यूट्रिशन कम लेते हैं तो हम अंडर वेट यानी कम वेट के होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो हम हैवी वेट हो जाते हैं, हमारा वज़न बढ़ जाता है। और अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। बच्चों, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, उसको 5 कैटेगरीज में बाँटा गया है। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, जिसको एक एक करके हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके?